सम्मुसेद, इसमें पेज ज्यादा हो गया क्या? नहीं ये तो इसमें पेज ये हुए क्या, ज्यादा क्यों हुए? न्यू प्रिंट है ना, ये पुराना है और छोटा है इसलिए न्यू प्रिंट में। ये न्यू प्रिंट पेज ज्यादा कर दिया। हाँ पेज ज्यादा ही हो गया। और किसके एक्सप्लेनेशन में आई है? अच्छा, नित्यं विदुलितं गीतं क्रोशनं तनु मोटनम हुंकारो जिम्भवनम सास सुभा लोकानु लोकान अपेक्षिता लाला श्रावो अट्टहासश्च घूर्णा इकार्दो उपिच। इसमें कह रहे हैं भाव अवस्था में प्रगाढ़ भाव अवस्था आने पर साधक में जो अनुभव उदय होते हैं वो भक्ति रसामृत में सिंधु में वर्णन करते जा रहे हैं। अंतकरण में भावों का प्रकट करने वाले बाहरी विकारों के अनुभव कहते हैं, अंदर में जो भाव प्रकट होने पर जो बाहरी विकार को अनुभव कहते हैं, बाहरी क्रिया अर्थात भाव की पीछे पीछे चलने वाले की कहा जाता है अनुभव कहते हैं। तो उसके बहिर्लक्षण जैसे बोले नृत्य विलुंठन भूमि पर लौटना गान जोर से चिल्लाना और अंगों का मुरन मुरन हुंकार जंभाई दीर्घ सांस और लोक अपेक्षा त्याग। लोक अपेक्षा तो मैंने लोग क्या बोले नहीं करे उसके ऊपर वो परवाह नहीं करते, चलो जो बोल रहे हैं बोलने दो है? जैसे आप लोग नृत्य करते रहते हो पति लोग भाग जाते सब है? लार टपकना जोर से हंसना चक्कर आना और हिचकी ऐसे होता है होता है कैसा भाव उमड़ता होगा कि ये दशा होती होगी। हिचकी आता है ना, हिचकी नहीं आता है जो चला जाता है वो अकस्मात आता है वो चला जाता है। भाव की समृद्धि होने पर शुल्कस्थ भाव प्रकट होते हैं। साधक लोग अपेक्षा त्याग कर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नित्य करते हैं। भक्त की इन क्रिया को बहिर्मुख जन नहीं समझ पाते। जो बहिर्मुख लोग जो है जो भजन नहीं करता है वो क्या समझेगा? एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा आ गया। अच्छा कब है आप? अच्छा मैं अभी आपको चिंतन कर रहा था हाँ। जब मैं स्नान कर रहा था तो मैं उस टाइम बहुत दिन हो गया आए नहीं, कहाँ चले गए? अच्छा नित्य करते हैं। अच्छा भक्तों की इन क्रियाओं को बहिर्मुख जन नहीं समझ पाते हैं। भावुक भक्त की हाव भाव प्राकृत जीवों के संपूर्ण रूप से पृथक होते हैं। प्राकृत जगत के लोग उसकी जो क्रिया मुद्रा आदि समझने में इसलिए वैष्णवी क्रिया मुद्रा विज्ञान नहीं बुझाए। दूसरे की बात छोड़ दिए, शास्त्र जानने वाले व्यक्ति को भी जिसके हृदय में भाव व प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसके बहिर क्रिया समझ नहीं पाते है? जैसे माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में वर्णन हो रहा है, कह रहे मैंने उन्हें पाठ किया। लोग कर्मी लोग सोचते हैं ये सदाचारी असदाचारी है, मैंने ठीक सदाचार पालन नहीं कर रहे हैं। वैदांतिक लोग कहते हैं ये तो पागल है
है कि नहीं। किंतु जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है और वही समझ पाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित सब कुछ छोड़ करके अभी नाम संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु सारे अपने विद्यार्थी के कहने लगे है, ये देखो कृष्ण ही एकमात्र जीवन की धातु है। जैसे शरीर में धातु नहीं रहे, शरीर निर्जीव हो जाता है, शरीर कहीं चलता नहीं है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थी को कहने लगे, जो संस्कृत महाप्रभु पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे महाप्रभु, इसलिए उसके नाम हो गया निमाई पंडित। पढ़ाते थे तो व्याकरण, और बड़े बड़े पंडित को जो है पछाड़ देते थे, जैसे केशव काश्मीर आदि ऐसे बड़े बड़े पंडित को उन्होंने क्या कि पछाड़ दिया, माने बाकी उनको परास्त करते हैं। जो सरस्वती के साक्षात वरपुत्र थे, जिनके कंठ में साक्षात सरस्वती देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती विराजमानों की वही बोलती थी, वो केशव काश्मी को नहीं बोलते थे, साक्षात विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती अविष्ट हो जाते वही बोलते। इसलिए उनके घमंड था कि मुझे कौन पराजित कर सकते हैं। वो सर्वत्र जो है लोगों के बड़े बड़े पंडित को पराजित करके नवद्वीप में आए, और नवद्वीप में जब आए पंडित लोग भयभीत हो गया, क्योंकि उस समय नवद्वीप जो है संस्कृत के जो है मूल केंद्र था, वो जिसको कहा जाए ऑक्सफोर्ड ऑफ अरे जय बोलते जा रहा हूं, तो उस समय जो है नवद्वीप बहुत ये था, संस्कृत के एक विशेष स्थान था। तो देखो चैतन्य महाप्रभु उनको भी पछाड़ दिया, अभी कथा में जो आ रहे। अभी चैतन्य महाप्रभु क्या बोले विद्यार्थी को, जो ये देखो जीवन की सार है कृष्ण नाम है। धातु अन्वय आदि जो कुछ भी टीका टिप्पणी के एक ही तात्पर्य है कृष्णनाम। कृष्णनाम यदि जप नहीं किया तो कुछ नहीं है, महाप्रभु सब छोड़ दो, सब सभी हमारे साथ क्या करो नाम संकीर्तन करो। आज महाप्रभु ऐसे, और महाप्रभु क्या बन गए, पहले था निमाई पंडित है, अभी हो गया भावुक निमाई। अर्थात चैतन्य महाप्रभु गया से जाने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लेकर के आने के पश्चात क्या हो गया, भावुक निमाई बन गए। आज महाप्रभु लिखाना पढ़ाना सब बंद कर दिया, बोले सब हमारे साथ क्या करो नाम संकीर्तन करो। तो महाप्रभु नाम संकीर्तन आदि करने लगे, भक्त लोग उनके साथ रहने लगे। कुछ विद्यार्थी थे चले गए, बोले हमें विद्या अध्ययन करना है, महाप्रभु जाओ दूसरी के पास जाओ, हमारे पास रहना है तो केवल नाम संकीर्तन करो। श्रीवास ठाकुर के गृह में चैतन्य महाप्रभु दरवाजा बंद करके नाम संकीर्तन करते थे, उद्दंड होकर के नित्य आदि करते थे। तो रात भोर नित्य करते नित्य नाम संकीर्तन नित्य गीत आदि करते थे। केवल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके फिर घर में आ जाते थे, फिर भोजन करके फिर शिवाजी के घर में चले जाते, शिवाजी के अंगन में महाप्रज्ञा से निमाई सोते नहीं है, शरीर गर्म हो गया, केवल सिर गर्म हो गया। एक दिन माँ शची देवी वत्सल भाव की मूर्त विराजमान, माँ शची देवी अपने सहेली के साथ बात करते करते कहने लगे, देखो हमारे निमाई जो है इनके वायु रोग हो गया। क्या हो गया, वायु रोग हो गया। जिसके वायु रोग हो जाता ना, शरीर में हमारे तीन प्रकार के धातु होता है, क्या क्या
बाथ कॉफ और पित्त। वायु रोग हो जिसको हो जाता है उसके नींद कम होता है, वायु पर हो जाता है। वायु दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपर की तरफ जाता है, एक नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ वायु जाना ये अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, किंतु ऊपर की तरफ जो वायु चलते सिर की तरफ जाते हैं उसके नींद नहीं होगा है। तो उसी प्रकार कार्य माँ सची देवी कार्य है। देखो मेरा निमाई के जो है ये वायु रोग हो गया, ये वायु रोग होने से उसकी नींद नहीं हो रही है। तो कुछ भक्त लोग कहने लगे इसको जो है सिर पर तेल मालिश करो, वो एक प्रकार वो होते ना क्या बोले ठंडी तेल मिलता है, कौन हाँ क्या तेल बताए, नवरत्न तेल है, आजकल का कलयुग का तेल है, नहीं वो बहुत ठंडा होता है। एक बार मैं सिर पर लगा दिया तो मेरा बुखार चढ़ गया, उसमें बुखार आ जाता है ना, बहुत ठंडी होता है, इतने ठंडे होता है बुखार आ जाएगा। क्यों मेरा नींद कम होता है, तो मैंने कहा किसने मुझे कहा था नवरत्न तेल लाया इसे अच्छी तरह से लगाया और बुखार इतने चढ़ गया ना 10 मिनट में बुखार चढ़ जाएगा है। आज नहीं ये आंवला तेल तो कुछ नहीं है, बहुत ठंडी तेल होता है शरीर में, सर्दी आ जाएगा, जुखाम इतना जो हो जाएगा है। तो ऐसे बोल रहे थे श्रीवास ठाकुर वहां पर बैठे हुए थे। श्रीवास ठाकुर कहने लगे माँ सची देवी आपके निमाई के जो है वायु रोग नहीं है, ये उनके प्रेम प्राप्ति हुआ, ये प्रेम के लक्षण है। महापुरुष कुछ नहीं बोले, महापुरुष बैठे, सब लोग चले गए। श्रीवास ठाकुर जब मिले पुनः, महापुरुष कहने लगे श्रीवास तुमने आज मेरा प्राण को बचाया, यदि तुम भी बोल देते इसको क्या हो गया वायु रोग हो गया तो मैं गंगा में जाकर के प्राण छोड़ देते हैं। क्योंकि जिनके प्रेम के बारे में ज्ञान नहीं है वो तो कुछ बोल सकता है, और तुम्हारे प्रेम के बारे में ज्ञान है तुम ही यदि कह देते तो मैं सोचता था मेरे हृदय में तो प्रेम नहीं है तो मैं क्यों जीवित क्यों। नौ प्रेम गंध उस्ति हरे दराय हुए है, महापुरुष दैन्य करके कह रहे मेरे हृदय में तो प्रेम नहीं है, यदि प्रेम हृदय में होते तो मैं जीवित कैसे हूं। जिस प्रकार महापुरुष उदाहरण दे रहे हैं मछली जो है कहां रहती है जल में पानी में रहते, यदि मछली को पानी से ऊपर उठा लिया जाए तो पानी वो मछली क्या करते हैं तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देते हैं। तो महापुरुष देने करके महापुरुष ये श्लोक बोला नौ प्रेम गंध उस्ते हरे धराए पे, क्या तुम रोते क्यों है? तो उसमें महापुरुष कह रहे हैं हमें सौभाग्य की सौभाग्य में समझ करके जो मेरा भाग मेरा तो प्रेम नहीं है तथापि लोग मुझे कहते हैं मेरा प्रेम हो गया है, ओह ये मेरा सौभाग्य है। तो महापुरुष देने करके ये सब बता रहे हैं, बोले जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है वो समझ पाते हैं, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो समझ नहीं पाएंगे है। समझ में आया? तो यहां पर भी कह रहे जी विज्ञो न बुझाए वैष्णवीर क्रिया मुद्रा विज्ञो न बुझाए बुझाए विज्ञ माने जो पंडित व्यक्ति भी समझ नहीं पाएंगे, क्यों केवल शास्त्र ज्ञान के द्वारा है ये समझ नहीं पाएंगे। नारायणात्मा प्रवचन लभो न मेधा न बहुना श्रुते न जौ में वृणते वृणते लभ तस्वीर आत्मा विवृणते तनुष्याम,
विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इसे समझना संभव नहीं है। केवल कैसे समझ पाएंगे? केवल अनुभूति के द्वारा। इसको कहते हैं ससंबद्ध दशा, जिसको हो ससंविद्ध। क्या शब्द बोला? स माने स्वयं अपना, संग माने सम्यक रूप में, माने डायरेक्ट, विद्ध माने से अनुभव है, विद्धातु जानना, और यहां पर कहते हैं अनुभव। जिसके अनुभव है वो केवल बता सकते हैं, दूसरे के नहीं है। क्या शब्द लिखा? संग ससंबद्ध दशा, ससंवेद दशा, ब्रह्मण गीत में लिखा है ना उसमें। केवल स्वयं ही अनुभव के विषय है। भगवान कैसे है उसके क्या, कोई शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है, है? उसे केवल अनुभव योग्य है, केवल है। जैसे किसी के बुखार हो गया, बुखार होने से क्या होता है? ऊपर में तो दिखाई पड़ेगा, है? उसके आंख, आंख छोटा हो जाता है, शरीर में कृशता आ जाता है, है? किंतु शरीर में जो गर्म उत्ताप जो होता है, है? वो भी उत्ताप हाथ में शरीर में देकर के पता लगता है, किंतु उसके अंतर हृदय में, बस शरीर में अंदर में जो कष्ट होता है वो क्या कौन समझेगा? है? बुखार होता है कि नहीं? जब बुखार जो होता है, चलो दूसरे व्यक्ति आपके शरीर में हाथ रखकर कहते इसे बहुत ताप है, अच्छा अपने हाथ रखो तो क्या लगता है? ठंडा लगता है। देखो उल्टा होता है, जिसके बुखार होता है दूसरे व्यक्ति उनके शरीर पर हाथ रखे बोले जिसे आग जल रही लगे, है? और अपने अपना हाथ शरीर में रखो जैसे लगे क्या ठंड होने में, बुखार ही नहीं। तात्पर्य क्या है? ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो स्वयं अपने को पता नहीं लगाता है, किंतु बहिर्व्यक्ति क्या बोले दूसरे व्यक्ति उसके लक्षण देख करके वो अनुमान करते हैं, किंतु प्रेम के जो अनुभव स्वयं वो करता है, एक अनुभव और बहिर्लक्षण दोनों में अंतर है। आज समझे? ठीक उसी प्रकार जो मैं कहता चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं श्रीवास तुम आज मेरा प्राण को बचा लिया, ये तुम भी कह देते हाँ इनको भी क्या रोग हो गया, वायु रोग हो गया तो मैं शरीर छोड़ दे। आगे अच्छा अभी चलता हूं, दो मिनट बैठ जाओ। इसलिए ये समस्त जो बताते जा रहे हैं ये नित्य विलुंठन ऐसे जो बता रहे हैं, ये अनुभव आदि जो बता भक्ति रसामृत सिंधु में है, नित्य आदि करना और भूमि पर लौटना, गान जोर से चिल्लाना, अंगों का मरोड़न, हुंकार, जंभाई, दीर्घश्वास, लोक अपेक्षा त्याग, लाड़ टपकना, जोर से हंसना, चक्कर आना और हिचके, ये समस्त क्या है ना प्रेम की भावों की जो है अनुभव दिखा रहे हैं, बाहर की लक्षण दिखाई पड़ता है। दो प्रकार से अंतर लक्षण होता है और एक बहिर्लक्षण होता है। ये समस्त जो है एक्सटर्नल जो सिम्टम्स बताते जा रहे हैं, जैसे वो श्रीमद् भागवत में श्लोक जो बताया है, एवं व्रत सप्रणाम कृत्वा जतानुरागो द्विजोच्चै हसति अथो रोदोति रोति गायन उन्मादवत नृत्यति लोकवाच्य। सिन्नन सुभद्राणी रतांग पानी जन्मानी कर्माणी जानी चो लोके नामानी गीतानी तदर्थकानी गायन उन्मादवत नित्यति लोकवाच्य।
लोग बात जो लोग अपेक्षा नहीं करते, कौन क्या बोले ना बोले थोड़ी देखते हैं, वो तो भाव में डूब जाते हैं बस हैं। अच्छा देखो यहां पर क्या, भावों की समृद्धि होने पर श्लोकस्थ भाव प्रकट होते हैं। साधक लोक अपेक्षा त्याग कर भगवान के नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। कुछ जो विषय में काल भी बताया था, नृत्य गीत आदि कब होता है, नृत्य कब होता है, हृदय आनंद में भरे तो नृत्य होगा, पैर चलेगा है हास में, कोई दिखावटी करे वो दूसरी बात है। जैसे हरदास ठाकुर वो क्या बोले, सांप के फन देख करके कालिया लीला की स्मरण करके नृत्य करने लगे, और वो ब्राह्मण और एक ब्राह्मण भी वो भी नृत्य करने लगे, वो ढंगी था, ढंगी ब्राह्मण, ढंगी समझते हो, ढंग दिखा रहे, बोले देखो मैं ब्राह्मण हूं और मेरा चरण को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ये हरदास ठाकुर मुस्लिम है, मुसलमान है, और इसके सब चरण स्पर्श कर रहे, इसलिए मैं भी नृत्य करूं तो मेरा सभी चरण स्पर्श करेंगे, सम्मान करेंगे, तो वो भी वो ब्राह्मण भी ऊपर से दिखाने लगे हैं। तो वो सफेरा जो सांप को जो खिलाने वाले सफेरा जो है क्या बोले, बंसी बजाते हैं ना, बीन बजाते हैं, और सांप ऐसे ऐसे करने, तो वो देखा हरदास ठाकुर तो प्रेम में नृत्य करे और ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण क्या करे ढोंग दिखा रहे, वो समझ जाते हैं है? कौन ढंगी है और कौन वास्तव है समझ जाए। तो वो सवेरा ने क्या कि एक छड़ी लेकर के उस ब्राह्मण के दो चार मार पिटा दो भग गया हा समझ। तो प्रेम उत्पन्न होने पर नित्य गीता ये सब तो अनुभव आदि दिखाई पड़ेगा, कुछ वही लक्षण होता है, कुछ अंतर लक्षण होता है, कोई इंटरनल सिम्टम्स और एक्सटर्नल सिम्टम्स है। बहुत सुंदर है। कभी कभी कपटी व्यक्ति लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा से शुद्ध भक्त को क्रियाओं को जो है अनुकरण करते हैं, दूसरे के अनुकरण कर रहे हैं है? और एक वास्तव रूप में प्रेम में विवाहित होकर के स्वाभाविक रूप में कर रहे हैं, बोले कौन सा आर्टिफिशियल और कौन सा ओरिजिनल पता चले, नकली कौन है नहीं पता चले, किंतु इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड ऑल दर ग्लिटर इज नॉट गोल्ड है, चकमक करने से सभी सोना नहीं है, सोना की भी कुछ लक्षण होता है। सोना को कैसे पहचानोगे, सोना की दुकान है कसौटी है ना, उसमें भी बनिया वो ये कर लेते हैं, सोना चोरी कर लेते हैं। वो मैं एक बोला नहीं, एक बार रासस्थली में जाए सब गोपियां आई, सब गोपियां अपने आप जो कहने लगे मैं सबसे सुंदरी हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं है, सब गोपियां डिघगने लगे मैं श्रेष्ठ मैं, तो कृष्ण कहने लगे मैं है देखो मैं सब कौन श्रेष्ठ है, तो कृष्ण ने कहा कि कृष्ण कहने लगे देखो मेरे भुजाएं जो है एक कसौटी है, कसौटी जानते हो एक जो काले जो पत्थर जो होता है ये है, मैं सबको उठा उठा करके मैं देखूंगा तो कृष्ण सबको उठाया और बोले बोले राधा जी श्रेष्ठ है, वो ये क्या ना इन्होंने एक है चित्रपट किया ना, वो ये राधा जी के उसे रास होते, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ में श्लोक है ये है, मैंने इनको बोला था, उन्होंने एक सुंदर जो पत्र भगवान का वो भक्त भक्ति भगवान का है। अच्छा इसलिए कोई कोई व्यक्ति लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा से शुद्ध भक्त की क्रियाओं
क्रियाकर्मों का अनुकरण करते हैं। एक बार नामाचार वही पता है, एक बार नामाचार जो हरिदास ठाकुर ने सर्प का नित्य देखकर कृष्ण की कालियादमन लीला का स्मरण हो आया तथा वे नित्य करने लगे। अन्य भक्तगण उनकी चरण धुरी को मस्तक पर लगाकर अपने को धन्याति धन्य मानने लगे। कोई ईर्ष्यापरायण ब्राह्मण हरिदास ठाकुर की नकल करने लगा, है नकलची से सावधान, है किसे नकलची से सावधान, है ना। एक बार इंटरव्यू चल रहा था, दो मित्र गए इंटरव्यू देने के लिए कंपनी के जॉब, क्या बोले जॉब प्राप्ति करने, है अच्छा। तो सोचने लगे प्रश्न पत्र तो एक ही होगा, है तो पहली बात उसके पूछने लगे, बोले तुम्हारा नाम क्या है, हैं? उन्होंने अपने नाम बता दिया, हैं? फिर दूसरी प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी जन्म तारीख कौन सा है, हैं? पूछते हैं ना जन्म तारीख कौन सा है, हैं? वो भी बता दिया, हैं? हैं? तो ऐसे करके फिर दूसरी व्यक्ति वो जब बाहर आ गए तो दूसरी जो इंटरव्यू देने हैं, बोले भाई तुम्हें कौन कौन प्रश्न पूछा हमें बताओ, है हा समझ वो सारे बता दिया, बोले ये प्रश्न पूछा ये। तो वो सोचने लगे प्रश्न तो एक ही होगा, केवल उत्तर हमें नहीं, उत्तर हमें क्या करना चाहिए याद करना पड़ेगा। प्रश्न तो सबके तो एक ही दिया जाता है, है? दिया जाता नहीं क्या ना, इसके अलग 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 सबके प्रश्न पत्र एक है, अपने अपने उत्तर लिखो। किंतु देखो जो इंटरव्यू ले रहे थे उसके प्रश्न पूछा अलग, उसके पूछा भाई बताओ सिपाही युद्ध कब हुआ था इसको पूछा तुम्हारे नाम क्या है, उसके पूछा ये भारत के प्रधानमंत्री के नाम क्या है, समझ में आ रहे? उसके पहली वाला के क्या पूछा था, तुम्हारे नाम क्या है, आश्चर्य नहीं। दूसरी बार जो दूसरी जो गए उसको क्या बोला, प्रधानमंत्री के नाम क्या है, वो तो याद करके रखे, वो नहीं सोचा जे मेरे नाम पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे जो प्रश्न पत्र वो लिख दिया प्रधानमंत्री के नाम लिख दिए, हैं? क्या बोला, नहीं वो अपना नाम लिख दिया कुछ लोग करते क्या करते हैं, वो प्रश्नों को देखते नहीं है, जो याद करके गए वो ही लिख देते हैं बस इसलिए कहता है नकलची से सावधान, लिखा रहते ना। चलो वो सब कभी कभी चुटकी सुना देता, ये क्या कर रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं ना, हरिदास ठाकुर प्रेम में नित्य कर रहे थे, हैं? अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, ईर्षा परायण जो ब्राह्मण वो हरिदास ठाकुर की नकल कर रहे हैं। कौन असली और कौन नकली है समझ में कैसे आ जाएगा, जो नकली होते ना ज्यादा करता है वो चकमक चकमक दख करते रहते है। असली जो सोना जो है इतने चकमक नहीं होता है, नकली सोना जितने चमकदार होता है। आज बात ये सही है कि नहीं है, आर्टिफिशियल ज्यादा चमकदार, ये कहते हैं ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, चकमक करने से सभी जो गोल्ड हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे तुलसीदास जी लिखा है ना, ये क्या गाल बजावा पंडित कावा, जो जितने हैं चिल्ला चिल्ला करके हल्ला करके लोग सोचते हैं ये बड़ा पंडित है, चलो इसे यहीं पर भी करें। किंतु कोई भी भक्त उसके प्रति आकृष्ट नहीं हुए, बल्कि वह ब्राह्मण सपरी के द्वारा प्रताड़ित हुआ, संक्षेप में बता रहे हैं।
जो शुद्ध भक्त जो होते हैं उसके समझ जाते हैं है? भाव के अष्टसात्त्विक की विकार क्या क्या है ये भी याद रखना चाहिए। स्तंभ, घर्म, पसीना, रोमांच, शेद, ये स्वरभेद। स्वरभेद माने गला का स्वर जो है अलग हो जाता है। कंप शरीर कंपना होते कांपते रहे है। वैवर्ण शरीर के रंग थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। अश्रु आंखों से आंसू आना है, ये समस्त जो है। प्रलय, प्रलय अर्थात मूर्छा है। एक्चुअल होता है क्या, मृत्यु कहा जाता है, किंतु अप्रकृत चित जगत में मृत्यु शब्द नहीं है, है मूर्छा हो जाता है। ये समझते हैं अष्टसात्त्विक विकार कहा जाता है। पहले क्या होता है, स्तंभ हो जाता है, स्थिर हो जाता है शरीर जो है, स्थिर हो जाता है। जैसे वो नबिली जो स्त्री जो है, मैंने कहा था ना, यही श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करे हस्तनापुर और क्या इंद्रप्रस्थ के रहने वाली, दिल्ली के रहने वाली। उनकी शादी शादी कहां पर हुई, ब्रज में, वृंदावन में। पहली जो है पहली रात विवाह करके वो वृंदावन पहुंची और वृंदावन के धूल स्पर्श करते हुए उनके हृदय में प्रेम संचार हुए। ये रूप गोस्वामी भक्ति के सामने तो सुंदर वर्णन कर रहे, बड़े वृंदावन की धूलि की महिमा दिखा रहे हैं। आज भक्त सिंधु पढ़ो, देखो उसमें उदाहरण दिया है। आप तो वृंदावन जाते हो, प्रेम उत्पन्न हो जाता है थोड़ा थोड़ा हो रहा है दुर्लभ वस्तु है, चिंतामणि जो है। चलो जैसे भी हो, कम से कम तो क्या बोले भक्ति के वो कौन सा कहते हैं, पहले भक्ति आरोप सिद्धा, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और सर्व सिद्धा। पहले आरोप सिद्धा होता है और इसके बाद संग सिद्धा, इसके बाद सर्व सिद्धा भक्ति होती है। आरोप माने क्या है, आरोप कर इम्पोज है, और फिर होता है संग सिद्धा। संग सिद्धा किसको कहते हैं, संगे न सिद्ध जायती थी संग सिद्धा। शुद्ध भक्त की संग आदि करने पर हृदय में जो सद्गुण आ जाती है, आ जाता है, उसकी कहते हैं संग सिद्ध। ये संग सिद्ध जैसे सत्व शौच दया पवित्र आदि जितने प्रकार के सद्गुण जो है, छल कपट आदि वो दूर हो जाता है, हृदय धीरे धीरे निर्मल होता है। ये समस्त भक्ति नहीं है, ये क्या है, भक्ति के सहायक है, असिस्ट करते है। ये आरोप सिद्धा संग सिद्धा वास्तव रूप में ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये क्या है, भक्ति की सहायक है, तो असिस्ट करते हो है। और शुद्धा भक्ति जो है वो स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है, चित्त निर्मल होने पर है और स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए होता है आरोप सिद्धा, पहले होता है क्या आरोप सिद्धा, इसके बाद संग सिद्धा, इसके बाद स्वरूप। जीवों की स्वरूपगत जो भाव जो है वो स्वयं ही प्रकटित होगा है। आज ये हो जाता है, पहले साधक अपने के भजन करते करते तो चलो मैं एक क्या बोले ओ नाहंग विप्रो न चरणपति न वैश्य न शूद्र गृहस्थ बजने जतिर्वा किंतु पद्मो निखिलं परमानंद पूर्ण मिताब्धे गोपी भत्तूर पद कमलो दास अनुदास। गोपियों की जो प्राण प्रियतम गोविंद और गोविंद की दासों की दास की अनुदास, ये भावना हमें रखना पड़ेगा है। आज इन क्या बोले माने प्राथमिक अवस्था में इन द बिगिनिंग क्या करना पड़ता है, ये आरोप रखना पड़ता है। देहात्मिमान तो जीव बद्ध जीव में ही है, देहात्मिमान क्या है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, वानप्रस्थी हूं, गृहस्थ सन्यासी, ये समस्त क्या है, सब है। तुम बोल देते हो, हम भूल जाता हूं फिर
ये केवल बहिर् कहा जाता है। इसलिए महाप्रभु क्या करें, नाहंग विप्र, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, नाहंग विप्र न च नरपति न गृहस्थो वर्णी जतिर्वा, ब्रह्मचारी भी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, मैं कौन हूं, गोपी भर्तुर पदकमलोर दास अनुदास। गोपियों की जो प्राण प्रियतम गोविंद, उनकी मैं दासों की दासों की दास, ये भावना। पहले तो उदित नहीं होगा, पहले क्या करना पड़ता है, आरोप करना पड़ेगा है। किंतु बद्ध जी में देहाभिमान होने के नाते स्वाभाविक रूप में हो जाता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, देहाभिमान हो जाता है, है? अभिमान हो जाता है। किंतु गोविंद के प्रति, भगवान के मैं दास हूं, ये सहज रूप में नहीं आएगा है। ये भजन करते करते है फिर वो अभिमान आए, शुद्ध अभिमान आया, असा अभिमान आया। अभिमानं परित्यजं प्राकितो बपुरादिषु, अभिमान को धीरे धीरे त्याग देना पड़ेगा और सहज में नहीं आएगा वो है, छोड़ देंगे ये मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं, ये भावना तो बहुत कठिन होता है। थोड़ा सा चिट्ठी चिट्ठी थोड़ा काट दे तो पता चलेगा है कि नहीं, देहात्मिमान आ जाता है, देहात्मिमान से ही सब कुछ होते जा रहे। किंतु साधक जब भजन करते जा रहे हैं तो धीरे 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 वो क्या करते हैं, आरोप करते हैं, इम्पोज करते हैं है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण के दास है, ये पहले हमें आरोप करना पड़ता है। वही आरोप करते करते फिर साधु संघ में क्या होता है, धीरे धीरे अनर्थ आदि दूर हो जाता है, है? साधु संघे होय अनर्थ निवृत्ति, साधु संघ के द्वारा धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगा। साधु संघ के दो वस्तु है, एक है अनर्थ निवृत्ति करा देते हैं और साथ ही साथ हृदय के निर्मल करा करके वह नित्य सिद्ध परिक्रम के भावों की प्राप्ति के आपके वो संयोग बना देते हैं। इसलिए कहते कृति शब्द भवित शब्द साधना विधा नित्य सिद्ध भावश प्राकट हृदय साधक, नित्य सिद्ध ब्रजवासी को भाव को कैसे में प्राप्ति हो, वो भाव प्राप्ति हो साधु संघ के द्वारा है। साधु संघ जितने साधु संघ करते जाएंगे चित्त निर्मल करा देंगे और प्लेटफॉर्म बना देते हैं है? साधु संघ यही महिमा करे। इसलिए कहते हैं महते कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाए। पहले तो संसार दशा तो चली जाए, संसार दशा जाते नहीं। संसार क्या है, मैं और मेरा यही संसार है और कुछ नहीं है। देहात्मिमान रख करके हम सब चलते जा रहे हैं, किंतु धीरे 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 भजन करते करते ये सब जाए, एक दिन में नहीं जाएगा और ना जाने कितने जन्म जन्मांतर भी लग जाता है, एक जन्म में थोड़ी होता है, जन्म जन्मांतर भी लग जाता है। इसलिए हम लोग जो इस भक्ति मार्ग में आए हैं, ना जाने कितने कितने जन्म की फल है, मैंने कितने कितने जन्म की साधन की फल है, ऐसे नहीं आगे भक्ति मार्ग में आना इतने सहज नहीं है। कोई कर्म मार्ग में चले जाए, ज्ञान मार्ग में चले जाए, किंतु भक्ति मार्ग में आना बहुत कठिन होता है, है? कह रहे हैं इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, इन्हें जाने कितने कितने जन्म सत्संग के फल स्वरूप है अभी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। एक व्यक्ति के भक्ति मार्ग में लाने के लिए कितने कठिन करना पड़ता है। भक्तिनंद प्रभुपाद कहते हैं कितने है, प्रभु जी कहते 400 गैलन 400 गैलन खून को आपको देना पड़ेगा, उसमें लिख रहे प्रभुपाद, भक्तिनंद प्रभुपाद। तो उसी प्रकार नाजनी हम लोग के लिए कितने संत महात्मा कितने खून बहाया है, माने कितने उन्होंने परिश्रम किया। एक व्यक्ति के बोला आओ आओ प्रसाद दो है, आ समझे, उनके देवता के वहां दी पूजा करो,
है कि नहीं, ऐसे थोड़ी आ जाए, तब भी आता ही नहीं है, तब भी जो है मुश्किल भाग जाता है। कभी कभी मछली यहां है ना जाल में तो आ जाता है, फिर जाल से वो बाहर भाग जाता है कि नहीं, जाता है कि नहीं जाता है। अरे जो मछुआरा है जाल फेंकते हैं ना, सब मछली आते हैं, आज दो चार बाहर भी भाग जाता है। तो यही सब है, जन्म जन्मांतर में कितने कितने जन्म संत महात्मा हमारे लिए इतने प्रचेष्टा किया, आप लोग जैसे करो ना। अच्छा ये भागवत करके आपके फायदा क्या हो रहा है आप बताओ, अपने भजन से कितने हरि नाम किया है, 24 घंटा आप लगे रहते हो है, इन लोग के खिलाना पिलाना देखना वो करना। पहले तो भागवत करने के पहले आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ा, एक साल इकट्ठा करे एक एक करके, और लोग भी गाली देते हैं है? अब बात ही सही है कि नहीं है? उनको खिलाना पिलाना लोग आ रहे, उसमें कौन सा महाभागवत आ रहा है सब है? खिलाना पिलाना कुर्मी लोग तो करे, किंतु आप क्यों करे? देखो उससे जो ये जो महाप्रसाद दे रहे कथा दे रहे, उससे उसके धीरे धीरे क्या बन रहा है, सुखी बन रहा है। वो समझ नहीं, वे तो बोलते यही तो जाल तावल हम खाते घर में खा रहे, वही कई बात है थोड़ा चकाचक है यार, किंतु वो समझ नहीं पाते ये इसमें भगवत है, भक्ति की कौन है उसमें, वो समझ नहीं पाए। किंतु धीरे धीरे ऐसे भोजन करते करते महाप्रसाद है ना, वो भगवान के लिए तो आपने साधित किया ना, इसलिए उसके महाप्रसाद है। और ये सब करते करते उनके क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे नहीं कितने जन्म लग जाता है, ये सुकृति उनके पुष्ट हो जाता, तब वो भक्ति मार्ग में आएगा। इतना सहज नहीं है, है? बहुत भक्तों को मैंने सुना, बोले तुम ऐसे भक्ति में कैसे आए, बोले हम इस्कॉन में जाते थे हर संडे को, देखा तो यहाँ पर अच्छा फ्री में प्रसाद दे रहे, अरे बढ़िया है। तो कि जाते कब है, बिल्कुल जब आर्थिक बिल्कुल आर्थिक खत्म होने वाले, इतने कौन खड़े रहेंगे भिखारी है, आर्थिक खत्म हो गया बस देखते सब तो प्रसाद दे रहे, बढ़िया है, चकाचक मिल रहे हर संडे को है, बनाना नहीं भी पड़ता है घर में, और चकाचक और भी देखो आदर भी करते हैं, हाँ ले जा घर में ले जा है, हाँ हाँ एक पैकेट खाने के लिए और 10 पैकेट ले जाने के लिए इकट्ठे करने पड़ते हैं है, किंतु वो जानते नहीं है ये क्या है, ये कितने जाल फेंका है तुम्हारे लिए है, कहाँ से तुमने निकाला। हाँ ऐसे बहुत मैंने सुना, विदेश में भी सुनते रहता हूँ है, बहुत है बड़े अच्छा है। और ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे देखो वो भी भक्त बन गया, तिलक लगाना शुरू किया, गले में कुंठी माला लिया, जपमाला लिया, फिर एक गीता ले लिया है। आज वहाँ लघुना बीच पे कौन का टेंपल है, तो वो बीच पे जाते हैं मस्ती करते हैं, हैं और फटाफट प्रसाद के टाइम पे हर भाई इतने स्वाद थोड़े लोग के ना, हमारे वो चंपाल है ब्रजल में मंदिर है ना, उसके तो पैकिंग करके दिए थे, है पैकिंग करके देते हैं, ऐसे दे तो लेंगे नहीं, कितना भिखारी यार रास्ते में बैठे उसके अच्छी तरह से पैकिंग करके ऐसे दे दो, वो खिचड़ी बना कर दो, नहीं है उसके एक मशीन है उसके ऐसे करके आराम से, मैं देखता रहता हूँ ये लोग क्या, हर रोज 150-200 पैकेट देते हैं, है एक दिन नहीं हर रोज, बोले ये क्या बोले कोविड के समय जो है हर रोज है अभी तक देते हैं, हाँ और कथा उन्हें होता है पनीर की सब्जी, बोले हर रोज मैं जाता हूँ ना, इसे पूछो 8-10 दिन रहता हूँ ना, और 8-10 दिन हर रोज पनीर की भक्तों लोग दे जाओ खिलाओ सर
एक दिन पनीर की सब्जी में कितना पैसा लगता है, और हर रोज है चकाचक बनाते लगे है आठ बजे पनीर भी आ गया आठ भी बजे है। आपने कितने दिन पनीर बनाया इधर? अभी कल ही बना, कल ही बना, बना था एक दिन बना दिया। और हमारे मंदिर हर जब मैं देव जा रहा था पूछे इनको है ये लोग बना दे जितने लोग थे 150, 200, 300, 400 जितने भी लोग आए है पनीर के चखा जाए। बड़े शौक से करते हैं पनीर, बहुत अच्छा होता है, मतलब शौक सबसे अच्छा है ना, एक्सपेंसिव है ना वो और क्या समोसा अच्छा अच्छा बनाओ तब तो लोग आए, ऐसे थोड़ी आ जाए आ जाओ जी। विदेश में लोगों के अट्रैक्टिव करना इतने सहज नहीं है, है भारी हो गरीब हो कुछ भी हो अट्रैक्टिव करने के लिए उनके अच्छा अच्छा खिलाना पड़ता है, है बढ़िया बढ़िया प्रसाद दो तब आएगा। आज हम लोग इधर तो चलो जैसे दे दिया कितने लोग आ जाए खिचड़ी देते जा रहे हैं, दो पूड़ी दे दिया खिचड़ी दे दिया लोग तमाम लग जाता है, है विदेश में ऐसी नहीं पूछे लोग वो भी देना पड़ेगा भाई पैकिंग करके सुन करके है हाँ अच्छा होनी चाहिए वो भी अच्छा होनी चाहिए वो पेपर होता ना क्या बोले सिल्वर है हाँ इनको पूछो मैं झूठ बोल गया जो गए देव पूछो है कि नहीं अच्छे तरह से पैकिंग करके तो सांपड़ में उसमें मंदिर है ना आप बता रहे जहाँ जाते हैं कहाँ देते पैकर के ब्राजील में हाँ मैं भी हम मैं कह रहा था इंडिया में हम लोग इतने बड़े एक दिन पनीर की सब्जी बनाने में कितना पैसा लगता है भाभी एक्सपेंसिव है ऐसे सभी एक्सपेंसिव है। हम इसलिए करें देखो एक व्यक्ति के भक्ति मार्ग में लाने के लिए कितने कठोर परिश्रम करना पड़ता है तब वो आता है आएगा नहीं वो इसलिए भक्तिस्तु भगवत संगने परिजायते सत्संग प्रपते पुंगी सुकृति पूर्व संचित अनेकों जन्म ऐसे इसी प्रकार से ना जाने कितने संत महात्मा है हम लोग के लिए कितना कठोर ये किया है कथा में रुचि हो जाना वो भी तो बहुत दूर की बात है खाने के समय तो आ जाता है कुछ कथा सुनने में कितने लोग जाए और भी कम लोग आए वो भी कोई सो जाएंगे अरे क्या बोल रहा भिखार भिखार वही बात तो हर रोज बोलता है और क्या बोल रहे हैं वही तो बता रहा हूँ ना कथा में यदि 200 लोग आए प्रसाद में 1000 लोग आए हम 11 बजे तक बांटते ही रहते बांटते रहते इसलिए ये सब जो बता रहे हैं देखो है। जीवों की शुद्ध अच्छा हम चलते हैं अभी ना जीवों की शुद्ध सत्व में जो चित्त की क्रिया है वह जब विभावित होकर क्रिया की सहायता करती है उस समय उसमें एक ऐसा सात्विक वैचित्र उदित होता है जो चित्त के विभिन्न प्रकार से उत्फुल्ल करता है उसे बाह्य लक्षण को उद्भास्वर कहते हैं। बाह्य लक्षण उद्भास्वर जो नित्य गीत आदि ये सब जो है बाह्य लक्षण इसके उद्भास्वर कहते हैं और अंतर हृदय में जो होता है इसके कहा जाता है अनुभव आदि जो है अंतर होता है ऊपर जैसे नित्य आदि है ये क्या है बहिर्लक्षण हो जाता है उद्भास्वर कहा जाता है उद्भाषर संस्कृत वार है चित्त के विकारक पोषक को अनुभव उदित होते हैं यह उद्भाषर के रूप में शरीर में व्याप्त होते हैं जब चित्त साक्षात रूप में विवाहित होता है तब उसी चित्त के सत्य कहते हैं कृष्ण विषयक
वृत्ति के द्वारा चित्त जब आक्रांत हो जाता है उसकी कहा जाता है सत्य कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण विषयक होनी चाहिए। कृष्ण विषयक वस्तु के द्वारा चित्त जब आक्रांत होता है, जैसे कृष्ण कथा श्रवण किया, कृष्ण कथा की जैसे विरह की कथा सुनकर के आपकी आंखों से आंसू आया है, आज समझे? और कृष्ण विषयक नहीं है, जैसे कोई नाटक अभिनय कथा सुना है, क्या बोलते हैं लैला मजनू ने, क्या बोलते हैं कथा नहीं कर सुन करके है, अथवा नोबेल आदि पढ़ करके बस सुन करके है, उससे विकार जो उससे आंखों से आंसू आना वो उसके नहीं कह रहे, उसके सत्य नहीं कहा जाएगा। सत्य कब होगा? कृष्ण विषयक होनी चाहिए है। यदि कृष्ण विषयक कथा सुन करके चित्त में जो विकार रहते हैं आंखों से आंसू आना है, ऐसा प्राकृत नायक नायक की कथा सुन करके है, उनके कथा सुन के आंखों आंसू आना व नित्य गीत होता है, वो सत्य नहीं कहा जाए। इसलिए कृष्ण विषयक चित्त, कृष्ण विषयक के द्वारा चित्त जब आक्रांत होता है, उस आक्रांत चित्त में जो क्रिया आदि उत्पन्न होता है उसी कहा जाता है सत्य कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में डेफिनेशन को याद रखना पड़ेगा। कृष्ण विषयक के द्वारा चित्त जब आक्रांत होता है, स्टिमुलेट कर देता है, कथा अधिक होना है, कृष्ण विषयक कथा, जैसे कृष्ण वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं, उस कथा को सुने और सुन करके गोपियों के हृदय में जो क्रिया है, ओहो विधाता तवन कच्चे दया संजोग प्रणेने इवा, जो गोपियां जो रोदन कर रही है, रो रही है, इस कथा को सुन करके किसके हृदय द्रवीभूत हुआ, क्योंकि कृष्ण कथा होनी चाहिए है। अथवा नाटक प्राकृतिक नाटक नाटक में है, कोई नायक नायक के विरह आदि सुन करके जो होता है उसको नहीं कहा जाएगा। उत्तम भागवत जो होता है वो उसमें क्या करते हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं, उसके भाव अपने आप संचालित होता है, है? जैसे चैतन्य महाप्रभु वो श्लोक के कह रहे हैं क्या है? अरे साहित्य दर्पण की श्लोक जो है ये कोई एक नायिका जो है अपने भाव को व्यक्त कर मेरे विवाह के पहले है, जो कौमार हरा, हाँ ये श्लोक ये बोल रहा है, ये प्राकृतिक नायक की कथा है। इस कथा को सुन करके यदि आपके हृदय में विकार हो रहा है तो वो सत्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो उत्तम महाभगवत होते हैं इस कथा के सुन करके वो राधा कृष्ण के ऊपर चिंतन आदि करते रहते, अलग हो रहे हैं। क्या समझ में आया कुछ? चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक के श्रवण के जो कौमार हर, इस श्लोक के चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और करके महाप्रभु भाव में विवाहित हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, नित्य गीत आदि कर रहे हैं, दूसरे लोग के समझ में नहीं आ रहे। ये तो प्राकृतिक नायक ने की कथा है, इसे सुनकर महाप्रभु क्यों नित्य कर रहे हैं, महाप्रभु इतना अभिष्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जो अभिष्ट हो रहे उसके प्राकृतिक नायक ने की सुन करके महाप्रभु क्या करे, राधा कृष्ण की वो रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के भाव को समझ गया, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ठीक उसके पैरेलल एक श्लोक रचना कर गया है, प्रिय सो अंग सहचरी कुरुक्षेत्र में मिलेगा राधा जी स्वयं अपने भाव को। जो उत्तम भागवत जो होते हैं, उत्तम भागवत स्थूल वस्तु नहीं देखते, उत्तम भागवत क्या करते हैं, उत्तम भागवत जो होता है वो अपने भाव में विवाहित होकर के राधा कृष्ण की वो स्मरण करते रहते और उनके हृदय में वो स्वयं जो है स्फुरित हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है उसके। ताबर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति, वन देखी भम है ए वृंदावन, जहां नदी देखो ए मानो ए कालिंदी, महाप्रभु ए महाप्रेमी महाप्रेमे भाषी जाए कांदी। चेतन चेतन उत्तम भागवत जी थोड़ा सा क्या बोले, नदी को देखा, देखते जमुना स्मरण करने लगे,
किंतु वास्तव क्या है, उत्तम भागवत वास्तव में उसके हृदय में उनकी लीला स्फूर्ति हो जाता है, स्वाभाविक रूप में जोग में उनकी जुबना की प्रकट कर देते हैं, स्थूल देह नहीं देख रहे हैं। एक बार कर रहे, कोई सुंदरी लड़की को देखा, अच्छा वो उत्तम भागवत में क्या हो जाता है, वो गोपी के चिंतन कर रहे हैं। आज है तो एक व्यक्ति मुझे प्रश्न किया, अच्छा बताओ कोई कुरूपा गोपी को, कुरूपा स्त्री को देखा, उसे क्या आ गया, मेरे पुतना चिंतन आ जाएगा उसमें, पुतना वध की लीला आ जाएगी, उससे क्या हो? क्यों उत्तम भागवत जो देखते हैं स्थूल वस्तु नहीं देखते, सारे कृष्ण विषयक चिंतन आ जाता है। इसका स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति जहा जहा नेत्र फोड़े इष्ट स्फूर्ति। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे है, तब एक विधवा के छोटा बच्चा जो है महाप्रभु के पास आ जाते थे, महाप्रभु से बहुत स्नेह करते थे है, क्योंकि बालक बहुत सुंदर था है। तो भक्त लोग कहने लगे आप ये बालक के क्यों आप स्नेह करते हो, तो महाप्रभु के हमें कृष्ण स्फूर्ति आ रहे है, किन्तु दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे। एक उत्तम भागवत और एक साधारण लोग की विचार अलग हो जाता है। आज राजा प्रताप के पुत्र के क्या किए, उनके कृष्ण वेश बना दिया, महाप्रभु देखो भाव में उसके सेनापति लानी दंड करने लगे, चेतन चेता में तो है नहीं सब। इसलिए उत्तम भागवत की भावना और साधारण विषय लोग के भावना में अंतर होता है। इसलिए स्थावर जंगम देखे नादे के तर मूर्ति जहा जहा नेत्र पड़े इष्ट स्फूर्ति, स्फूर्ति क्या स्टिमुलेट हो जाता है, स्टिमुलेशन आ जाता है, उद्दीपन होता है, जड़ नहीं अपराकृत उद्दीपन हो जाता है, उद्दीपन समझते हो देख कर। इसलिए राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुनाती, कितना सुंदर है ये सब, क्या उद्दीपन विभाग है सब है। कृष्ण विषयक हम इसलिए कह रहे हैं सत्य किसको कहा जाता है, कृष्ण विषयक वस्तु के साथ जो चित्त आक्रांत होता है, उस आक्रांत चित्त चित्त में जो भाव उद्दीप होता है उसके सत्य कहा जाता है, उसे भी कहा जाता है, ये याद रखना पड़ेगा बस। गुरु प्रेमानंद गाड़ी में मुस्कुरा रहा हूँ।